हस्तर एक दानव देवता था जो पूर्ति की देवी की 16 करोड़ संतानों में सबसे प्रिय संतान है। पूर्ति की देवी प्रतीक है अंतहीन सोना और अनाज की, और ये पृथ्वी देवी की कोख है। आज किसी भी वेद पुराणों में हस्तर का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर को देवी का सारा सोना और अनाज हथियाना था। उसने सोना तो बेतहाशा उठा लिया, पर जैसे ही उसने अनाज की ओर हाथ बढ़ाया, सारे देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हर प्रहार से वो तिनकों में बिखरता चला गया। उसे बचाने हेतु देवी ने उसे पनाह में ले लिया। उसे बचाने में एक शर्त थी कि कोई उसे नहीं पूजेगा, उसका नाम भुला दिया जाएगा हमेशा के लिए। तब से हस्तर देवी के कोख में शांति से था, पर पूर्वजों को चुल मची और उसका मंदिर बना, उसकी पूजा अर्चना आराधना करने लगी। फिर क्या, तब से लेकर आज तक तुम्बाड़ गांव देवताओं के क्रोध को बारिश के रूप में झेलते आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हस्तर का श्राप इंसानों के लिए वरदान है।